शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ पेपर की हम पी की न्यूज़ के साथ में पहली न्यूज़ देखेंगे एक देश एक राशन कार्ड योजना से संबंधित आज की जो न्यूज़ है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है इसमें बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ ने भी अब इसकी इस स्कीम को चालू कर दिया है कई सारे राज्य इस स्कीम को ऑलरेडी चालू कर चुके हैं इसमें फ़ायदा ये होता है कि मान के चलिए छत्तीसगढ़ के भीतर और पूरे ऑल इंडिया की यदि हम बात करें तो ठीक है यदि एक व्यक्ति है दुर्ग जिले का ठीक है और दूसरा है धमतरी जिले का आदमी धमतरी से व्यक्ति आता है दुर्ग जिले में कमाई करने के लिए तो अब उसका जो राशन कार्ड है उस राशन कार्ड के माध्यम से वो दुर्ग में भी राशन ले सकता है पहले यह काम क्या बात होती थी कि आप जहाँ के हो आपको राशन कार्ड वहीं से लेना है ठीक है इसी के चलते चलते बहुत सारे लोग जो बाहर कमाने जाते हैं वो इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाते थे खाद सुरक्षा से वो बाहर हो जाते थे इसी के लिए सरकार ने केंद्र सरकार ने यह घोषणा करी कि हम एक देश एक राशन कार्ड योजना लाएंगे जिसके अंतर्गत न केवल राज्य में एक ज़िला से दूसरे ज़िला एक जगह से दूसरी जगह जाने पर इसके अलावा यदि आप सीजी से एमपी जा रहे हो कमाने ठीक है या महाराष्ट्र जा रहे हो कमाने तो भी आपका राशन कार्ड काम करेगा आप वहां से भी राशन प्राप्त कर सकते हो यहाँ पर कुछ डेटा बताए जाते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ ने इस स्कीम को लागू कर दिया है अब ये जो है पैंतीसवें नंबर का स्टेट बन गया है अभी तक कुल मिलाकर के पैंतीस ठीक है राज और केंद्र शासित प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं पैंतीस राज्य बन गया बताया जा रहा है इस योजना में अब तक पैंतीस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में छियानवे दशमलव आठ परसेंट जनसंख्या ठीक है इस स्कीम के अंतर्गत आ रही है जो कि राशन कार्ड दिखाते हैं और अनाज प्राप्त करते अगस्त 2019 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में छप्पन करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए गए हैं से आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि कितने सारे लोगों ने लेन देन किए हैं आज के टाइम में यदि हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत ठीक है हमारे देश में हर साल मतलब हर साल हर महीना एवरेज दो दशमलव पाँच करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन अपने राज्य के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में ठीक है और प्रधानमंत्री जी के ए वाई खाद्यान्न लेन देन दर्ज किया गया है नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी से रिलेटेड ठीक है इन्होंने जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिकी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक के रूप में पोस्ट ग्रहण किया है इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है तो नए महानिदेशक कौन बन गए हैं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के मदन मोहन त्रिपाठी ये संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत में आता है और एक स्वायत्त निकाय है बताया जा रहा है ये इस पोस्ट को संभालने से पहले नई दिल्ली स्थित प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डी में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे ठीक है इन्होंने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ जिसको आई क्यू के निदेशक और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में काम करा था और कुछ हिस्ट्री बताई जाती है उन्नीस में गांधी नगर में इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च आई मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के साथ अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर चालू करा था और कई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में पाँच साल काम करा इसके बाद 1999 में वे गोरखपुर स्थित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में वरिष्ठ डिजाइनर इंजीनियर के रूप में कारोबार उन्होंने संभाला फिर यहाँ से सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विभिन्न डिजाइन और विकास परियोजनाओं पर 10 पर साल तक इन्होंने काम करा फिर 2009 से लेकर के 12 तक एन आई के मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के रूप में काम किया ठीक इस संस्थान में उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की डिजिटलीकरण और बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण आई कौशल में जनशक्ति विकास आई आधारित कौशल परीक्षण और प्रणाम प्रमाणन जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर काम करा था इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड ठीक है आंध्र भूमि को संरक्षण करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है इसके बारे में यदि हमें कभी लिखना रहे तो हम इसका उल्लेख कर सकते हैं तो बताया जा रहा है आंध्र भूमि के वेटलैंड के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण ज़्यादा जरूरी है ऐसा कहना है डी जी, जी का ठीक है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में यहां आपको जानने को मिलेगा इस अवसर पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था जिसमें नदी प्रणालियों को बनाए रखने में नम भूमि के महत्व पर जोर दिया गया ठीक है नदियां जिंदा कब रहेंगी जब नम भूमि रहेगी ऐसा यहां पर बताया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं श्रीजी अशोक कुमार ने वर्ल्ड वेटलैंड डे इसके अवसर पर दो फरवरी को आर्द्र भूमि नदी और लोगों को जोड़ना इसके लिए कौन कौन सी चुनौती हैं अनुभव और अवसर इस सब्जेक्ट पर एक वेबिनार की अध्यक्षता इन्होंने करी थी ठीक है बताया जा रहा है इसका आयोजन एन और वर्ल्ड ठीक है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था हर साल हमें पता है दो फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है इसका उद्देश्य रहता है लोगों को पृथ्वी के लिए वेटलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना वेटलैंड हमारी पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है इस बारे में जागरूकता पैदा करी जाती बताया जा रहा है कि ईरान का जो शहर है रामसर यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड पर आयोजित सम्मेलन में इसे स्वीकार करने की तिथि को भी ये चिन्हित करता है ठीक है मतलब हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था वेटलैंड को कंजर्व करने के हिसाब से ठीक है बताया जा रहा फिर कौन कौन इसमें शामिल रहे एक चीज़ है हमारे काम की इस वर्ष की जो विश्व आर्द्रभूमि भूमि दिवस की थीम थी वो क्या रही ठीक है वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम यदि हमसे पूछा जाता है तो वो है वेटलैंड वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर मतलब कि नम भूमि के संरक्षण को लेकर सक्रियता दिखाने का आह्वान नम भूमि के संरक्षण हमें करना है तो उसके लिए आपसे आह्वान किया जा रहा है बताया जा रहा है कि हमारे देश में कई सारे वाटर प्रणालियों के संरक्षण में मदद करने के लिए संबंध निकाय द्वारा किए जा रहे समेकित प्रयासों पर संबंधता प्रसन्नता व्यक्त की है अनेक जल की प्रजाति और उनकी वनस्पति जीव उनकी वापसी जो हो रहा है मतलब उनकी संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो हम लोग उनको कंजर्व कर रहे हैं इसीलिए ऐसा हो पा रहा है ठीक है इसके अलावा उनका कहना है कि जो वेटलैंड होता है नेचर के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं और हमारा मिशन सिर्फ गंगा बेसन की वेटलैंड को कंजर्व करना नहीं है बल्कि पूरे देश की आदरभूमि का हमको संरक्षण करना है तो इसके लिए वेटलैंड के संरक्षण के लिए लोग पार्टिसिपेट करें लोग जागरूक रहें ठीक है सबसे मेन बात यही रहती इसके अलावा कुछ व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए लोगों को कुछ अनुभव होना चाहिए समग्र दृष्टिकोण वेटलैंड के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अलावा एक दो फैक्ट यहां से और निकलते हैं जिनको हम देख लेते हैं जैसे कि यहाँ बताया जाता है स्ट्रेटजिक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में एक जगह है ठीक है और बताया जा रहा है यहाँ पर जो स्थित सबसे बड़ी मानव निर्मित वेटलैंड है हैदरपुर में जिसको हैदरपुर वेटलैंड कहा जा रहा है तो इस पर प्रस्तुति श्री संजय कुमार की ओर से आई है जिन्होंने हैदरपुर आद्र भूमि के मामले को रामसर साइट में शामिल करने आने की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ठीक है इसको हम रामसर साइट में शामिल करेंगे इसके लिए महत्वपूर्ण कदम किसने उठाया इनका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है संजय कुमार इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है शहरी और जो बाढ़ग्रस्त मैदान मैदानी आद्र भूमि है यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है इसी से हम आद्र भूमि का वेटलैंड का कायाकल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जमीनी लेवल पर जन जागरूकता और मानव पूंजी में निवेश करने की ज़रूरत है ताकि हम वेटलैंड को बचा सकें यही पॉइंट यहाँ से निकल कर आते हैं जिनको हम मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं इसके बाद न्यूज़ हम देखेंगे द हिंदू से पहली जो न्यूज़ आई है वो क्रिमिनल लॉ को रिलेटेड है ठीक है क्रिमिनल लॉ को रिलेट करती है क्रिमिनल लॉ में हम पार्टिकुलर बात कर रहे हैं मैरिटल रेप से रिलेटेड ठीक है मतलब कि शादी आपने कर लिए हो शादी के बाद भी यदि आप अपनी पत्नी से संबंध बना रहे हो तो किस कंडीशन में वो रेप माना जाएगा इसको लेकर के सरकार कानून बना सकती है ठीक मतलब कि महिलाओं को थोड़ा गवर्नमेंट और छूट प्रोवाइड करना चाहती और उनको मजबूती प्रदान करना चाहती है कुछ कानून ला करके प्रोसेस ऑन टू अमेंड क्रिमिनल लॉस ऐसा गवर्नमेंट का कहना है मतलब कि क्रिमिनल लॉ को जो हम अमेंड करना चाहते हैं अभी वो प्रोसेस में है ऐसा सरकार का कहना सी पी आई की तरफ से ये कहा गया है कि आप क्लैरिफाई करिए अपने स्टैंड को ऑन क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप को द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कंप्रहेंसिव अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉस सरकार ने इस पर कंप्रहेंसिव कार्रवाई चालू कर दी है ताकि वो क्रिमिनल लॉ को अमेंडमेंट कर सके ऐसा कहना है मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी का ठीक है ये जानकारी उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी वेडनस्ट के दिन इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन ऑन मैरिटल रेप लेकिन बट वार अगेंस्ट कंडेमिंग एवरी मैन एज रेपिस्ट ठीक है लेकिन उनका कहना है कि हर आदमी रेपिस्ट नहीं होता और हर शादी जो है ना वॉलेंट नहीं करती है। हर शादी में वॉयलेंट देखने को हमको नहीं मिलता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस फॉर कंप्रहेंसिव अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉज इन कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर ठीक है अब हम जो सुधार करना चाहते हैं इसमें हम अकेले शामिल नहीं हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर इसमें शामिल है ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है आगे इसमें बताया जा रहा है कई सारी पिटीशन अभी ना कोर्ट में दाखिल की गई द पिटीशन हैव शॉर्ट स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द एक्सेप्शन मतलब अपवाद है सेक्शन 375 का आईपीसी का जो कहता है फोर्स फोर्सिबली सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विद हिज आउन वाइफ द वाइफ नॉट बीइंग 18 इयर्स इज नॉट रेप मतलब कि यदि आप फोर्सफुली सेक्स कर रहे हो इसका मतलब ये है वाइफ की अनुमति नहीं है 18 साल के ऊपर की है वो तो वो रेप नहीं माना जाएगा तो इस सेक्शन को ख़त्म करने की बात यहाँ पर करी जा रही वैन द सी पी आई एम पी आस्ड इफ द गवर्नमेंट हैड टेकन नोट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्सन इन सेक्शन थ्री ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसके अलावा सेक्शन तीन सौ पचहत्तर ऑफ़ द आई पी एस सी तो इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने क्या कहा टू कंडेम एवरी मैरिज इन दिस कंट्री एज ए वायलेंट मैरिज एंड टू कंडेम एवरी मैन इन दिस कंट्री एज रेपिस्ट इज नॉट एडवाइजेबल इन दिस अगस्ट हाउस ठीक है तो वही बात सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम हर किसी को नहीं कह रहे हैं कि हर आदमी रेपिस्ट है और हर शादी वायलेंट कर रही है सेक्शन तीन क्या करता है सेक्शन तीन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा सेक्शन तीन की हम बात कर रहे हैं। ये प्रोवाइड करता है ए डेफिनेशन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस विच इंक्लूड फिजिकल सेक्सुअल वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ ऐसे ऐसे नियम कानून ला देते हैं और ऐसे ऐसे उसमें डेफिनेशन लग देते हैं ना कि एकदम कोई भी आदमी फंस जाए उसमें सेक्शन तीन क्या कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस आप किसको कहोगे मतलब कि पति ने पत्नी के खिलाफ फिजिकली सेक्सुअली वर्बल इमोशनल एब्यूज किया है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आ जाएगा आगे हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार की 2015-16 का ये डाटा है वो ये बताता है कि 7% परसेंट ऑफ एवर मेरिड वुमेन एक्सपीरियंसड एस्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस सात परसेंट महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस को फेस किया है एवंग एवर मैरिड वुमेन एज पंद्रह से लेकर के फोर्टी नाइन की बात करें हु हैव एवर एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस ठीक है बताया जा रहा है कि पंद्रह से उनचास जिनकी उम्र है ठीक है उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है सेक्सुअल वायलेंस एट्टी थ्री परसेंट रिपोर्ट देयर करेंट हजबैंड एंड नाइन परसेंट रिपोर्ट ए फॉर्मर हजबेंड एस पिट्रेटर मतलब कि इसमें यह कहा जा रहा है एटी थ्री रिपोर्ट करेंट हस्बैंड तेरासी परसेंट महिला कह रही है कि हमारे अभी जो हस्बैंड है उसने ऐसा काम किया और नौ परसेंट ऐसे कह रही हैं कि हमने दूसरी शादी करे उसने भी हमारे साथ ऐसा काम किया एक बात यहां पर कही जाती है देखो मैरिटल रेप शुड बी ग्रांटेड इम्यूनिटी मैरिटल रेप को ग्रांट की जाना चाहिए इमेटी और नहीं तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आप जो शादी कर रहे हैं ना ये शादी बिल्कुल कोई मतलब की नहीं रह जाएगी बीजेपी मेंबर सुशील मोदी का कहना है इट वाज डिफ़िकल्ट टू प्रूव व्हेन ए वुमेन हैड कंसेंट कब महिला सहमति दे रही है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इसके अलावा वैन सी हैड विथ हर कंसेंट ये थोड़ा प्रूव करना मुश्किल हो जाता है यदि केस भी चलता है तो इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मनरेगा से रिलेटेड तो मनरेगा से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं ठीक है मनरेगा को लाया गया था मनरेगा एक्ट 2005 के माध्यम से ठीक है पहले इसको नरेगा कहा जाता था 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था मनरेगा इज़ ए प्रोग्राम मेन टू बी ए लाइफ, लाइफ टू रूरल वर्कर गांव ग्रामीण क्षेत्र में ये लाइफ लाइन का काम करता है उनकी इनकम का मेन जरिया है ठीक है ऐसे वर्कर जो कि अनस्किल्ड हैं मेहनत मजदूरी का काम करना चाहते हैं उनको सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सौ दिन का काम प्रोवाइड करेगी ठीक है सौ दिन का काम प्रोवाइड करेगी पंद्रह दिन के अंदर में जॉब कार्ड बन गया है उनका और काम नहीं मिला है तो फिर उनको सरकार को भत्ता देना पड़ेगा क्योंकि ये एक्ट है कानून है उनको कानूनी गारंटी देता है काम की ठीक है तो मनरेगा से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट यहां पर देखने वाले हैं बताया जा रहा है बारह दशमलव दो करोड़ लेबर लेबरर्स वर्क इन मनरेगा एवरी ईयर लगभग बारह करोड़ लोग यहां इस, इस स्कीम के अंतर्गत काम करते हैं द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस एज ए सोशल मेजर दैट गारंटी राइट टू वर्क काम का अधिकार ये हमको प्रोवाइड करता है ठीक है तो द की टिनेट ऑफ दिस सोशल मीजर एंड लेबर ला इज दैट द लोकल गवर्नमेंट विल हैव टू लीगली प्रोवाइड एट लीस्ट हंड्रेड डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया टू इनहेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है गरीब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने के लिए वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो हंड्रेड दिन का उनको अनस्किल्ड काम प्रोवाइड करेगी तो इसके अंतर्गत सौ दिन का काम दिया जाता है फॉर ईच वर्कर हुटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर इसके अलावा प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन बाई स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड बेस ऑफ रूरल पुअर तो जो गरीब लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करने का ये काम करता है क्रिएशन ऑफ ए ड्यूरेबल एसिड इन रूरल एरिया सच एज वेल पॉन्ड रोड एंड कैनाल इसके माध्यम से हम सड़कें बनाते हैं ठीक है तालाब बनाते हैं कुआं खुदवाते हैं नहर खुदवाते हैं ताकि आने वाले टाइम में ये क्या है एक संपत्ति बन जाए रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज इससे गांव वाले शहर की तरफ भागते नहीं हैं जॉब की तलाश में कुछ कुछ प्रावधान है जो कि इसके अंतर्गत आना जरूरी है मतलब कि कौन कौन सी एलिजिबलिटी क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत पहली बात इंडिया मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया आप इंडिया के नागरिक हों दूसरी बात जॉब सीकर हैज़ कम्प्लीटेड 18 इयर्स ऑफ़ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मैं आज एप्लीकेशन दे रहा हूँ उस टाइम मेरी उम्र होना चाहिए 18 साल 18 साल से कम नहीं होना चाहिए द एप्लीकेंट मस्ट बी पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड ठीक है एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विथ लोकल ग्राम पंचायत एप्लीकेशन आपको लोकल ग्राम पंचायत में देना है इसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट वॉल्टियर फॉर अनस्किल्ड लेबर इसके अलावा आप काम कर सके अनस्किल्ड लेबर को ये भी ज़रूरी है कुछ की फैक्ट बताए जाते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया इज मॉनिटरिंग द इंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कौन इसको संभालता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिल करके ये कामकाज देखती है ठीक है इंडिविजुअल बेनिफिशरी ओरिएंटेड वर्क्स कैन बी टेकन अप ऑन द कार्ड्स ऑफ़ द सेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर इस्मॉल और मार्जिनल फार्मर और बेनिफिशरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म और बेनिफिशरीज़ अंडर द इंदिरा आवास योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्क इज़ मैंडेटरी इसका सोशल ऑडिट भी ज़रूरी है ताकि इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है वो इसमें बनी रहे द ग्राम सभा इज द प्रिंसिपल फोरम फॉर वेज सीकर टू राइज देयर वॉइस एंड मेक डिमांड तो ग्राम सभा क्या है प्रिंसिपल फोरम है फॉर वेज सीकर डिमांड कहाँ पर आप अपनी आवाज उठा सकते हो ग्राम सभा में इट इज द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत विच अप्रूव द सेल्फ ऑफ़ वर्क अंडर मनरेगा एंड फिक्स देयर प्रायोरिटी काम आम कौन फिक्स करता है ग्राम सभा फ़िक्स करती यदि हम बात करें रोल ऑफ ग्राम सभा की तो इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क किस काम को हम प्रायोरिटी देंगे इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा कीपिंग इन व्यू पोटेंशियल ऑफ द लोकल एरिया इट्स नीड्स लोकल रिसोर्सेज इसके अलावा मोनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विथ इन द जी ग्राम पंचायत उसको काम की आज की मॉनिटरिंग भी इनको देख रेख करना पड़ता है ग्राम पंचायत की दी हम बात करें तो ये क्या काम करता है रिसीव करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आप आवेदन दे रहे हैं तो कहाँ पर दोगे ग्राम पंचायत में दोगे इसके अलावा वेरीफाइंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन उसको वेरीफाई करने का काम करेगा इसके अलावा हाउस होल्ड को रजिस्टर करता है जॉब कार्ड इशू करता है रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर वर्क डेटेड सन फॉर दिस वर्क एलोटिंग विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और फार्म द डेट वैन वर्क इज शॉट इन केस ऑफ एन एडवांस एप्लीकेशन इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट की मनरेगा के अंतर्गत में कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ तो पहली जो जिम्मेदारी वो ये है ये रूल को फ्रेम करेगी ऑन मैटर्स पर टेनिंग टू स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन बत्तीस ऑफ एक्ट था सेकेंड डेवलप एंड नोटिफाई द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर द स्टेट मतलब कि रूल को फ्रेम करने का काम कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट करती इसके अलावा स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल को सेटअप करने का काम भी राज्य सरकार का है ठीक है सेटअप ए स्टेट लेवल मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी मिशन विद एडिक्वेट नंबर ऑफ हाई कैलिबर प्रोफेशनल हमें इस स्कीम को इंप्लीमेंटेशन में लाना है तो कुछ हाई कैलिबर प्रोफेशनल की सहायता से स्टेट लेवल मनरेगा इंप्लीमेंटेशन एजेंसी या फिर मिशन को चालू करना है सेटअप है स्टेट लेवल मनरेगा सोशल ऑडिट एजेंसी ठीक है इसकी ऑडिटिंग होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को ही उस एजेंसी को तैयार करना पड़ता है डायरेक्टोरेट विद एडेट नंबर ऑफ पीपल विद नॉलेज ऑन मनरेगा प्रोसेस एंड डेमोन्स्ट्रेटेड कमिटमेंट टू सोशल ऑडिट इसके अलावा इस्टेब्लिश ऑपरेट ए स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड इसके अलावा एस ई जी एफ इस्टेब्लिश करने का काम भी किसका है स्टेट गवर्नमेंट का है अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई बताया जा रहा है तीन हजार तीन सौ अंठावन करोड़ इन मनरेगा वेजेस नॉट पेड ठीक है वर्कर ने काम कर दिए हैं लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है कितने रुपए तीन हजार तीन सौ अंठावन करोड़ गवर्नमेंट रिप्लाई इन राज्यसभा कम्स एमिड कट इन बजट एलोकेशन ठीक है बजट एलोकेशन में कटिंग जो की गई है उसी के चलते चलते शायद ऐसा हुआ होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा वर्कर आर स्टिल वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट तीन हजार तीन सौ साठ करोड़ इन पेंडिंग वेज पेमेंट विद द लार्जेस्ट पेंडिंग पेमेंट इन वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा बकाया है पैसा वेस्ट बंगाल में सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश राजस्थान अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स रिप्लाई टू ए क्वेश्चन इन राज्यसभा ऑन वेडनेसडे दिस कम्स एज द सेंटर रिड्यूस इट्स बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम बाई पच्चीस परसेंट ऐसा हो क्यों रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने बजट को पच्चीस परसेंट कम कर दिया है मनरेगा के अंतर्गत इन कंपेरिजन टू रिवाइज्ड इस्टीमेट्स फॉर द करेंट ईयर इफ दीज पेंडिंग वेज एंड मटेरियल पेमेंट लाइबिलिटी आर कैरीड फॉरवर्ड इन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इट विल फर्दर रिड्यूज द एमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू पे वर्क नेक्स्ट ईयर अगली जो न्यूज़ है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हैं ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसकी कीमत बताई जा रही बारह सौ तेरह करोड़ सोल्ड इन जनवरी ठीक है जनवरी के महीने में बारह सौ तेरह करोड़ रुपया की बॉन्ड को बिक्री की गई है ठीक है इसके अंतर्गत क्या होता है जैसे कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ मान के चलो मैं बीजेपी को चंदा देना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा एस एस से एक हज़ार रुपया का मैंने बॉन्ड खरीदा ठीक है एस ने मुझे कागज़ दे दिया मेरा पैसा एस ने ले लिया और ये जो पैसा है बीजेपी के अकाउंट में चला गया दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि, कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है ये बिल्कुल पता नहीं चलता ठीक है ये केवल जान सकती है गवर्नमेंट क्यों जान सकती क्योंकि गवर्नमेंट के बैंक में ही हम पैसा जमा कर रहे हैं ठीक है केवल देने वाला जानता बाकी कोई लोग नहीं जान पाता है कि किसको किसने कितना पैसा दिया ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती इसमें अब जब सरकार को कोई पैसा दे रहा है मान के चलिए बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि अंबानी ने कितना दिया अडानी ने कितना दिया ठीक है यदि मुझे पता चल जाएगा तो हम सरकार की आलोचना करने लग जाएंगे कि आपको अंबानी ने पैसा दिया था इसलिए आप अंबानी के हिसाब से काम कर रहे हो तो आज के टाइम में राजनीति भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ हैं ना उनसे प्रभावित होने लगी हैं ठीक है कहीं ना कहीं नियम कानून उनके ही उनको सपोर्ट में चले जाते हैं यही रीज़न है ना इसलिए जो चुनावी बॉन्ड है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ बेसिक फैक्ट की यदि हम बात करें ठीक है तो 2018 में सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेके आई थी ठीक है इसके अंतर्गत आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसको आप चंदा दे सकते हैं ताकि वो चुनाव अच्छे से लड़ सके तो 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनावी बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना जारी करी थी इसकी घोषणा 2017 में कुछ बजट था ना उसमें इन्होंने कर दिया था तो इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद कैश के रूप में प्रस्तुत किया गया मतलब आप कैश मत दो बॉन्ड के रूप में होना चाहिए इसका उद्देश्य राजनीतिक वित्त पोषण फंडिंग में शुद्ध धनराशि के आगम और ट्रांसपरेंसी को प्रोत्साहन करना था जो चुनावी बॉन्ड है इसका मतलब रहता है कि प्रोमिसरी नोट कर रहे हैं वचन पत्र दे रहे ठीक है जो कि धारक का बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है और जिस पर देने वाले या फिर क्रय करने वाले का नाम अंकित नहीं रहता है ये है यहां पर मैन तो भारत भारत की कोई कंपनी है कोई भारत का व्यक्ति है वो चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है ठीक है चुनावी बॉन्ड का ये उस ऐसे राजनीतिक दलों को दान करने के लिए होगा जिन्हें पिछले चुनाव में कुल मतों के कम से कम एक परसेंट मत तो उनको मिला ही हो चाहे लोकसभा की बात कर लो चाहे विधानसभा की बात कर लो इसके अलावा जो चुनावी बॉन्ड है कोई भी बीजेपी चाहे केंद्र कांग्रेस की सरकार एक ही बैंक से ही कैश को भुना सकती है इसकी कीमत शुरुआत होती है एक हजार दस हज़ार एक लाख दस लाख और एक करोड़ के मूल्य वर्ग मतलब कि एक हजार से लेकर के एक करोड़ इतना चुनावी बॉन्ड आप दे सकते हो गवर्नमेंट को खरीदवार द्वारा दी गई सूचना को अधिकृत बैंक गोपनीय रखता है जिसे किसी भी प्राधिकारी को किसी भी कार्ड या उद्देश्य से हम नहीं बता सकते बस केवल यदि कभी कोई केस चल रहा है न्यायालय में उस टाइम न्यायालय भी चाहे तो जानकारी मिल सकती है। अब आप खुद सोच करके देखिए कि 1213 सौ तेर करोड़ तेरह करोड़ रुपया खाली चुनाव में खर्चा हो जा रहा इसका मतलब ये है इतना सारा पैसा जो है ना कौन दे सकता है इतना सारा पैसा कोई ऐसा गरीब आदमी हमारे आपके जैसे तो नहीं दे सकते ये पैसा दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा ठीक है अब आप सोचिए इतना सारा जो पैसा दिया गया है वो तो चला गया पूरा व्यर्थ चला गया कि नहीं चला गया इसी को यदि हम कहीं अच्छी जगह यूज़ करते तो कितना बढ़िया रहता पार्टियाँ क्या करेंगी ये सब पैसा पूरा उड़ा देती हैं कोई अच्छी जगह तो लगाती नहीं है अभी तक जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है 2018 में तब से लेकर के आज तक देखोगे ना तो ये सबसे ज़्यादा रुपया है जो कि इस स्कीम में इलेक्ट्रोलॉयल बॉन्ड में खर्च हुआ है। इलेक्ट्रोलॉयल बॉन्ड्स वर्थ 1213 करोड़। वर्थ का मतलब होता है उसकी कीमत, कितनी उसकी कीमत है। वर्थ सोल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जनवरी, विथ मोस्ट ऑफ देम 644 करोड़ दिल्ली की ब्रांच से रहा और 4489 करोड़ रहा था मुंबई की ब्रांच से। दिस कम्स एज़ कैंपेनिंग फॉर असेंबली पोल्स इन गोवा मणिपुर पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ठीक है ये दो चार स्टेट हैं यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं इसी के चक्कर में ये चुनाव बॉन्ड हमको देखने को मिला आर टी आई के एक्टिव आर टी आई एक्टिविस्ट हैं कन्हैया कुमार ठीक है हु स्क्योरी द एस बी आई रिस्पॉन्डेड टू ऑन मंडे सेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड सोल्ड दिस टाइम हैड बीन द हाइस्ट बिफोर एनी असेंबली पोल सिंस द स्कीम बिगन दो हज़ार अठारह इन फैक्ट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स सोल्ड इन द फ्रॉम जनवरी नाइन् से लेकर के दस जनवरी नियरली डबल ऑफ ऑफ दैट सोल्ड इन रन अप टू द लास्ट सेट असेंबली पोल इन अप्रैल दो हजार इक्कीस कितना था छह सौ पंचानवे करोड़ और अभी का देख रहे हैं आपने बारह सौ हो गया है अगली जो न्यूज है हम देखने वाले हैं रेल के ट्रैक पर ठीक है या फिर जहां पर और अदर जो व्हीकल चलते हैं वहाँ पर एलिफेंट का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से बढ़ गया है इसको हम इस न्यूज़ में जानेंगे जंबो मूवमेंट नियर ट्रैक्स राइस ऐसा रिपोर्ट कहती तीन सौ पंचानवे साइटिंग्स रिपोर्टिंग रिपोर्टेड बिटवीन पलक्कड़ एंड मधु जंक्शन इन टेन ईयर्स पिछले दस साल का रिकॉर्ड यहाँ पर बताया जाता हैज़ बीन ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिफेंट साइटिंग एलोंग द रेलवे ट्रैक फ्रॉम पलक्कड़ जनसक्सन इन केरला टू मधु मधुकराई इन तमिलनाडु ओवर द टेन इयर्स सेट द रिपोर्ट बाई कमी ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो एज पर द रिपोर्ट मेजर्स टू रिजू रिड्यूस मॉर्टिलिटी ऑफ एलिफेंट ऑन रेलवे ट्रैक इन केरला एंड तमिलनाडु रिपोर्ट का टाइटल है ये द रेलवेज हैज स्टेटेड दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइटिंग ऑफ एलिफेंट इनक्रीज इन द लास्ट डिकेड ठीक है और सो 2014 से ले लेकर के 2016 तो ट्रैक के किनारे बहुत ज्यादा हाथियों को देखा गया है ऐसी ये न्यूज आई है इट्स एड टोटल तीन सौ पंचानवे एलिफेंट साइटिंग वर रिपोर्टेड अलोंग द रेलवे ट्रैक बिटवीन 2009 से नौ दस से लेकर के इक्कीस बाईस जबकि देयर वर ट्वेंटी नाइन साइटिंग ड्यूरिंग दो हज़ार नौ से दस द इंसीडेंट रिड्यूस्ड टू टू ड्यूरिंग दो हजार तेरह चौदह जीरो दो हज़ार चौदह पंद्रह साइटिंग ऑफ एलिफेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम पंद्रह सोलह में पाँच हाथी दिखे सोलह सत्रह में एक सौ पाँच सत्रह अठारह में चालीस अठारह उन्नीस में चौबीस उन्नीस बीस में इकसठ बीस इक्कीस में सिक्सटी नाइन इक्कीस बाईस में इक्कीस बाईस में दिखाया जा रहा है चौबीस टिल सितंबर दो हजार इक्कीस तो ये कंटिन्यूसली जो इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइटिंग एलोंग रेलवे ट्रैक इज ए काज ऑफ कंसर्न फॉर बोथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड साउथ सेंट्रल रेलवे ऐसा कहना है एम ओ ई एफ सी सी का अब बिकॉज ऑफ द मेजर टेकन बाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु एंड साउदर्न रेलवे द नंबर ऑफ डेथ ऑफ एलिफेंट हैड बिन रिड्यूस एक बात तो यह है कि हाथियों की जो डेथ है वो कम हुई है अकॉर्डिंग टू द कमेटी रिपोर्ट चौबीस एलिफेंट वर किल्ड इन उन्नीस एक्सीडेंट उन्नीस एक्सीडेंट में चौबीस हाथियों की डेथ हुई है ऑन द ट्विन सिंगल लाइन्स ए एंड बी बिटवीन पलक्कड़ जनसंखंड मधुखराई फ्रॉम उन्नीस सौ अठहत्तर से दो हजार इक्कीस एक पॉइंट और था जो मैं आपको बताना भूल गया था इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड ठीक है इसमें यह बताया जा रहा है स्कीम को चालू किया गया था दो हजार अठारह में इनेबल्स इंडियन सिटीजन और कंपनी टू बई द बॉन्ड्स फ्रॉम 29 एसबीआई ब्रांच एस बी आई की ट्वेंटी नाइन ब्रांच इसके लिए अधिकृत की गई हैं ठीक है एक हज़ार रुपया से स्टार्ट होता है दस हज़ार एक लाख दस लाख एक करोड़ मैक्सिमम टू बी यूज एज एनोनिमस मतलब कि उसका नाम नहीं होना चाहिए डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज सिंस द लास्ट सेट ऑफ असेंबली पोल्स इन तमिलनाडु केरल वेस्ट बंगाल असम पुदुचेरी इन अप्रैल दो बॉन्ड्स वर्थ एक करोड़ वर्स सोल्ड इन जुलाई 2021 हज़ार इक्कीस एंड छः सौ चौदह करोड़ इन अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस अगली जो न्यूज़ है वो बजा बताती है बजट में क्या कुछ कमी रह गई सरकार ने और कहाँ पर कमी करी है तो बच्चों का जो हिस्सा है ना उसको सरकार ने मार दिया है मतलब कि उसमें कम कर दिया है पिछले आप ग्यारह साल का डेटा देखोगे तो वो उसमें इस बार का आपको कमी देखने को मिलेगी एलोकेशन फॉर चाइल्ड हेल्थ हैज डिक्रीज बाई छः दशमलव आठ परसेंट ठीक है बच्चों के हेल्थ के लिए जो बजट है उसमें छः दशमलव जीरो आठ परसेंट की कमी यहाँ पर देखी गई है डेवलपमेंट स्कीम की यदि हम बात करें एज फार एज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर कंसर्न अभी भी चिंता की बात रही है दे हैव सीन ए ड्रॉप ऑफ टेन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट इन अलोकेशन फॉर द नेक्स्ट फिजिकल एट सत्रह हजार आठ सौ छब्बीस दशमलव जीरो तीन करोड़ इसमें क्या क्या इंक्लूड है सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन एंड आंगनबाड़ी ड्राई केयर सर्विस शामिल है द शेयर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन इन द ओवरऑल बजट 2022-23 हैज़ विटनेस ओनली मार्जिनल इंक्रीज पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट सेवन परसेंट पहले था कितना वन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट However, in absolute term, the allocation has increased by 15.04%. पंद्रह दशमलव जीरो चार परसेंट इसके अलावा एक बात यहाँ पर बताई जाती है दाऊ द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस ए वन क्लास वन टी वी चैनल ठीक है एक कक्षा एक टी वी चैनल ये प्रोग्राम का नाम है ठीक है इसमें बताया जा रहा फ्रॉम बारह से लेकर के दो सौ टी चैनल रहेंगे टू इनेबल स्टेट टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज इसके इससे राज्य सरकारें अपनी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगी क्लास कक्षा फर्स्ट से लेकर के बारहवीं तक स्टडीज़ है दिस इज ए डिफ़िकल्ट मोड ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन ठीक लेकिन ये कोई आसान बात नहीं होने वाली है बच्चों के लिए इसके अलावा बताया जाता है यहाँ पर स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चाइल्ड क्लबड अंडर द मिशन वत्सालय ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिसीव्ड चौदह करोड़ दिस इज पैंसठ परसेंट मोर देन दिस फिजिकल बट बिलो द एलोकेशन ऑफ 15000 करोड़ इन 2019-20 19-20 में 15000 करोड़ था और इस बार चौदह करोड़ रुपया ही इस स्कीम को मिल पाया है फॉरेन वाले पेज से एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि ओलंपिक्स से रिलेटेड है पी गलवान के कमांडर रहे थे ठीक है वो बनने वाले हैं ओलंपिक्स के टॉर्च बियरर। सिलेक्शन ऑफ की फेबो एलाउस फॉलोज अदर मूव बाई ऑथोरिटीज टू कीप गलवान वैली क्लैस इन स्पॉट लाइट मतलब कि गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था ना उसको एकदम नज़र में रखना चाहता है चाइना इसलिए ऐसा चाइना कर रहा है पी एल ए रेजिमेंट के कमांडर हु वाज इन्वॉल्व्ड इन जून पंद्रह दो हजार बीस क्लैश विद इंडिया इन गलवान वैली वाज चूजन बाई द चाइनीज गवर्नमेंट टू कैरी द विंटर ओलंपिक टॉर्च इन वेडनसडेज टॉर्च रिले इन बीजिंग द विंटर ओलंपिक विल ओपन ऑन फ्राइडे सेमी टू बी अटेंडेड बाई प्रेजिडेंट जी जिनपिंग एंड मोर देन डजन ऑफ वर्ल्ड लीडर इंक्लूडिंग रसिया के व्लादिमिर पुतिन फाइव सेंट्रल एशियन के प्रेसिडेंट रहेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहेंगे वेडनर्सडे के दिन क्या हुआ था द कैपिटल हेल्ड टॉर्च रिले टॉर्च रिले का आयोजन यहां पर किया गया बारह सौ टॉर्च बियर इसमें शामिल थे एमंग कम्युनिस्ट पार्टी रन ग्लोबल टाइम रिपोर्टेड रेजिमेंट कमांडर हु लेटर ऑनर्ड बाय द चाइनीज मिलिट्री आफ्टर ही सस्टेंड ए हेड इंजरी इन द दनवाल वैली क्लेस इन 15 जून 2020 अगली न्यूज हम देखने वाले हैं एक्जिम बैंक से रिलेटेड इंडिया का जो एग्जिम बैंक है और श्रीलंका दोनों के बीच में पांच मिलियन डॉलर की लोन एग्रीमेंट का साइन यहाँ पर देखने को मिला द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ऑन वेडनेटे साइन 500 सौ मिलियन डॉलर जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट के तहत हम दे रहे हैं एम्ड एट हेल्पिंग श्रीलंका कोप विद इट्स फ्यूल शॉर्टेज एम इड वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक मेलडाउन फेसिंग द आइलैंड नेशन ठीक है तो ऑयल को इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा श्रीलंका उसकी मदद करने के लिए हमारी तरफ से 500 मिलियन डॉलर का लोन उसको दिया गया है द न्यू न्यू दिल्ली सपोर्ट फॉर फ्यूल इम्पोर्ट बाई श्रीलंका फ्रॉम इंडिया थ्रो द लाइन ऑफ क्रेडिट इज इन रिस्पॉन्स टू कोलम्बोज अर्जेंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन कोलम्बो दिस क्रिटिकल सपोर्ट कम्स इन द वे ऑफ वर्चुअल मीटिंग बिटवीन द एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर और श्रीलंका के मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हैं बासिल राजपक्सा दोनों के बीच में बातचीत हुई थी पंद्रह जनवरी को ठीक है उसी को उसी का ही रिजल्ट रहा है आगे बताया जा रहा है इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा अंडर टू परसेंट रहेगा द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इन्वाइट बिड्स फ्राम इंडियन सप्लायर सून टू फाइनलाइज इट्स इंपोर्ट और इम्पोर्ट करेगी कहाँ से अपने इंडिया से एमिट श्रीलंका परसिस्टिंग डॉलर क्राइसिस द कंट्रीज एबिलिटी टू इम्पोर्ट फ्यूल हैज़ बीन सीवियरली अफेक्टेड लीडिंग टू फ्रीक्वेंट शॉर्टेज एज वेल एज पावर फेलियर ऑन जनवरी तेरह इंडिया एक्सटेंडेड ए चार सौ मिलियन कर, डॉलर करेंसी स्वैप टू तो श्रीलंका